गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन 13 अमर शहीद की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ सब कॉपी में राइट करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले। प्रश्न नंबर 1, सागमर गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका उत्तर है जैसलमेर। ये ऑप्शन में दे रखे हैं आपकी बुक में, तो इसका आंसर मैंने राइट किया है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 2, सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानी को पत्र लिखे थे? सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानी को पत्र लिखे थे? उत्तर 4 ऑप्शन है, उसमें से उपयुक्त तीनों को, उपयुक्त तीनों को। अब देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा है। अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, जेलर का क्या नाम है? जेलर का क्या नाम है? उत्तर जैसलमेर जेल के जेलर का नाम करणी दास है। जैसलमेर जेल के जेलर का नाम करणी दास है। प्रश्न नंबर 5 देखो, पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? उत्तर देखो, पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत है। पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत है। अब प्रश्न नंबर 6, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? उत्तर सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें हैं जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दोबारा देखो, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें हैं जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब प्रश्न नंबर 7, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, यह कथन किसने एवं किसको कहा? हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, यह कथन किसने एवं किसको कहा? यह कथन, उत्तर देखो इसका, यह कथन सागरमल गोपा ने जेलर
करनी दास से कहा। यह कथन सागरमल गोपा ने जेलर करनी दास से कहा।